हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में पेन टूल की मदद से किसी भी लोगो को ट्रेस कर उसका हम किस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। उसके लिए पहले मैं आपको सिंपल लोगो बता रहा हूँ किस तरह से इसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ से मैं ये जो ट्विटर का लोगो है दोस्तों, इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। इसको सेव एज करने के बाद इसको मैं ट्रेस करके अब आपको बताता हूँ। से इमेज करके मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, यानी इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही आपका ये लोगो सेव हो जाता है, इस लोगो को जो है आपको कोरल ड्रॉ में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से कोरल के एप्लीकेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ दोस्तों। रिसाइज करने के लिए ये थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं। अब क्या करना है, थोड़ा और स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें कलर फिल करना है। तो कि कलर फिल होगा नहीं, क्योंकि ये इमेज है, PNG है, लेकिन मुझे ऐसे ही एक लोगो बनाना है सेम टू सेम, और उसको कलर फिल करना है। दोस्तों, पेन टूल का यूज़ करना है। पेन टूल ये दिख रहा है यहाँ पर, पेन टूल का हम यूज़ करेंगे। और किस तरह से अब इसको हम ट्रेस करेंगे वो आप देख लो। ठीक है, यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है नोट टू नोट। यहाँ से एक ऑप्शन है, पहले आप पूरा सिलेक्शन कर लीजिए दोस्तों। ये एक नोट से, ये एक नोट पे सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ और एक एक यहाँ पे एक ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर एक ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ से एक नोट और यहाँ पे कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको सब पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके बता रहा हूँ, और सिंपल सा फिर हम इसको ट्रेस करेंगे। यहाँ से फिर इसको ले लिया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर किया ट्रेस। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, सिंपल सा मुझे पहले करते हैं शेप टूल पे क्लिक करते हैं। पहले क्या करते हैं, शेप टूल पे क्लिक करते हैं। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ये था, इसको हम राइट क्लिक करते हैं और टू कर्व करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टू कर्व, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे कर्व मिलेगा आपको यहाँ पर, इसको कर्व की तरह से, ये देखिए, ये बस ऐसे कर्व की तरह इसको यहाँ शेप देते जाना है। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मैं बीच में यहाँ पर आकर राइट क्लिक करता हूँ, टू कर्व करता हूँ, और इसको कर्व की तरह यहाँ पर ये ऐसे ज्वाइन करता हूँ। ये यहाँ पे सेटिंग दिए हुए, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ऐसे आप कोई भी लोगों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। ये देखिए, टू कर्व किया यहाँ से, फिर इसको फिर से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टूल है, पेन टूल एंड शेप टूल। राइट क्लिक करके टू कर्व किया, फिर यहाँ से इसको हमने कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपने इसको भी कर्व करते हैं। यहाँ से किया इसको राइट क्लिक, और ये देखिए ये कर्व किया। बाकी जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ से इसको यानी थोड़ा सा एडजस्ट करके कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको, यहाँ से इसका एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं हर शेप को। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप कोरल ड्रॉ का यूज़ कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है माउस का और हैंडलिंग। आगे के वीडियोस में मैं और भी टूल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से कोरल में हम और बेसिक काम कर सकते हैं। देखिए, हल्का हल्का जो है आपको यहाँ पर माउस को, स्क्रॉल बटन को अप एंड डाउन करना है, तो ये जूम आउट और जूम इन होता है। यहाँ से किया और इसको हमने यहाँ किया। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल बटन का यूज़ करना है। ये यहाँ से हमने इसको किया दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, और भी अगर आपको करना हो तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको टू कर्व पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेना है तो हल्का सा हम इसको अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेना है तो इसको राइट क्लिक करके टू कर्व हल्का सा हम इसको शेप दे सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा लोगो जो है रेडी हो गया है। अब पिक टूल पर क्लिक कीजिए, उसको साइड में लेके हम कलर फिल करके दे सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो लोगो है वो कलरफुल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी
लोगों को या कोई भी इमेज को ट्रेस करना है तो वो आप ट्रेस करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही काम का टूल है कोरल में ट्रेसिंग के लिए, जो कि है पेन टूल एंड शेप टूल। तो आप भी ट्राई कीजिए, इस तरह से कुछ प्रैक्टिस कीजिए कोरल में, और मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।